थी, नेहरू जी के टाइम से उसी टाइम से वोट गिराते आ रहे हैं। काम नहीं किया है नीतीश कुमार, इसलिए आरजेडी के वोट होना चाहिए। हमको खाली करना है कि जनता को सेवा होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया। इस वक्त हम लोग कुम्हरार के एक और मतदान केंद्र पे आ चुके हैं, जहां हम वोटरों से जानेंगे, जहां हम जो मतदान बूथ पे जो लोग बैठे हुए हैं, पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो सरकार जो तमाम नियम जो निकले थे निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो सारी एक्सपेक्टेशन जो नियम जो नियमावली निकली थी वो फॉलो की जा रही कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि महिला वोटर्स जो हैं काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं, इस बार काफ़ी एक्टिव, ज़्यादा एग्रेसिव मोड में महिलाएँ लोग हैं। मैम, लगातार जो है हम अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं, हाँ। तो देख रहे हैं कि वहाँ पे महिलाएं जो है काफ़ी संख्या में आ रही हैं वोट, हाँ। देने के लिए। तो सुबह सुबह का समय जो है महिलाओं के लिए बोला जाता है, गृहिणी है ना मैम, हाँ। तो सुबह सुबह का समय बोला जाता है कि गृहिणियों के लिए किचन का बहुत काम जरूरी, हाँ। होता है। आज तो किचन के बाद में जरूरत है, आज किचन की, अभी पहले वोट का जरूरी है, वोट का जरूरत है। तो मैम बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, किसका किसकी सरकार होगी इस बार? अब तो जो बनेगा तो बाद में। आप अपना मूड बताइए, आप किसके पक्ष में हैं? हाँ जी, हाँ, तो सबके पक्ष में है, जो जीतेगा उसी के पक्ष में, जो सबके पक्ष में है, जिसके भी जो भी, हाँ, लोग जिसका ज्यादा वोट होगा वो जीतेगा। तो इस बार जो है जब सरकार बनेगी तो सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? बने तेजस्वी यादव बन जाए तो अच्छा रहे। तेजस्वी यादव जी, तो मैम भी, मैम बोल रही हैं कि तेजस्वी यादव से उन्हें उम्मीद है। तेजस्वी यादव के अलावा अब देखते हैं, यहाँ पे एक दादाजी आए हुए हैं जो कि वोट दे दिया दादा, अभी वोट नहीं दिए हैं ना, अभी वोट देने जा रहे हैं ना, काफिर के है ये ना, अच्छी है नहीं, क्या अच्छी नहीं है ये वाला से ना होते, ये आधार कार्ड है, हाँ। आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है ना जी, तो ना होते ये। आप यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे पूछ लीजिए। अब हम देख बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की अगर हम बात करें तो काफी संख्या में सुरक्षा कर्मी देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है सारी चीज़ों के जो देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ पे पोलिंग एजेंट भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे पानी का जो पानी की बॉटल्स है उसकी वितरण हो रही है। इसके अलावा वहाँ देख लीजिए कि वहाँ मैम जो है सैनिटाइज़र लेके बैठी हुई हैं, सैनिटाइज़ कर रही हैं, उसके बाद ही जो है एंट्री मिल रही है। सफाई कर्मी की भी संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये जो एक जो ये जो मतदान केंद्र है वो ग्रामीण एरिया में आ रहा है, रूरल्स एरिया में आ रहा है। आप उधर देखिए कि एक बुज़ुर्ग जो है वो आ रहे हैं वोटिंग दे के, वोट देने के बाद जो है वो आ रहे हैं। उनकी स्थिति जो है अभी शारीरिक स्थिति वो ठीक नहीं है। उनके साथ जो है उनके पोते हैं। सर, आप चलते चलते ही बताइएगा कि ये आपके साथ आपके दादाजी हैं जी, आप इन्हें वोट दिलवाने के लिए आए? हाँ हाँ। आप भी साथ में वोट दिए कि नहीं इस बार? जी अभी तक नहीं दिए, थोड़ा देर में देंगे, मम्मी के साथ आएंगे तो जी। अभी पहले बाबा को दिलवा दे रहे हैं, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मतलब कि ये आप इनको खुद, ये इनकी इच्छा थी कि आप खुद? नहीं नहीं, ये हमेशा से वोट देते आ रहे हैं और हम लोग को हमेशा बोलते हैं ऐसे वोट देने के लिए भी। इस बार हम पहली बार वोट देंगे, इस बार हम भी। तो मतलब कि एक्टिव वोटर्स हैं दादाजी, काफ़ी इनके शारीरिक रूप से लाचार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से वो चल रहे हैं, उनको काफ़ी सहारे की ज़रूरत पड़ी है। इसके बावजूद जो है वो यहाँ आए और यहाँ वोट दिए। एक एक वोट की जो क्षमता है ये इसके आपको इसी से पता चल सकता है कि यहाँ पे जो दादाजी हैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, काफ़ी सालों से जो है यहाँ वोट दे रहे होंगे। और जो यहाँ पे पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव है, वो लगा दादाजी से, अब दादाजी वोट गिर रहा है सरकारी थी, नेहरू जी के टाइम से उसी टाइम से वोट गिराते आ रहे हैं जी। सर, जब नेहरू जी से सरकार से यहाँ वोट देते आ रहे हैं, सरकार के वोट देते आ रहे हैं नेहरू जी के शासनकाल से यहाँ वोट, हाँ जी। तो इस बार जो है क्या लग रहा है दादाजी, क्या है, किसका किसकी सरकार बनेगी इस बार? तो आरजेडी की बननी चाहिए, आरजेडी की बननी चाहिए। तो दादाजी, हाँ? आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये तो आपके पोते की बात हो गई। देखिए, काम नहीं किया है नीतीश कुमार, इसलिए आरजेडी के वोट होना चाहिए जी, जितना चाहिए उसी को। तो इस बार क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं कि सरकार बनेगी तो ये चीज होगा? सरकार बनेगी तो जनता की भलाई होगी, जनता की भलाई होगी, हाँ जी। तो आगे भी ऐसे ही वोट देते रहिएगा आप? आप वोट तो देते जाएगा जब तक चल रहे हैं, जब धरती पर गिर जाएंगे तो फिर कैसे वोट दे पाएंगे? इसके पहले आपने जो जिन्हें वोट दिया था दादाजी, वो आपके जो वोट की एक्सपेक्टेशन थी उस पर खड़े उतरे कि नहीं उतरे? खड़े उतरे के मतलब हम न समझते, जो आप जिन जैसे कि वजह होता है ना दादाजी, मुद्दा होता है ना कि इन ये मुद्दा मेरा पूरा होगा,
ये चीज नहीं है? हमको मुद्दा को नहीं, हमको खाली कहना है कि जनता को सेवा होना चाहिए, जनता को सेवा होना, सेवा होना चाहिए। हमको अपना देसी से कोई मतलब नहीं है, पूरे जनता को सेवा होना चाहिए जी। जनता से मतलब है, जनता सुखी है तो मैं भी सुखी जी। हाँ जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ और हो रही है, जो पानी वितरण करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें हटा दिया जा रहा है, किन कारणों की वजह से वो तो हम जाएंगे वहाँ पे तो पता करेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुरक्षाकर्मी जो काफ़ी एक्टिव हैं, वो सारी चीज़ों की देखरेख कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी बहुत ही पॉइंट पॉइंट वाली चीज़ें जो हैं वो नोटिस कर रहे हैं और उन चीज़ों पर जो है जो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है वो ले रहे हैं। सर से हम बात करेंगे, सर सर डिनाई कर चुके हैं अपनी बात, नई बात करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर की ओर हम आपको जूम करके दिखवाएंगे कि देखिए कि कितनी ज़्यादा जो है पुलिस वाले एक्टिव हैं और साथ ही यहाँ पे जो है हर चीज़ें जो है खाने वगैरह सारी चीज़ें जो हैं फेंकने को बोला जा रहा है, क्योंकि शायद जो है ये बाहर से लाया गया है। मैम हम लोग जबरदस्ती धर दिया, हम लोग तो बाहर के अपने जी, तो मैम ने कहा कि ये बाहर से रख दिया गया। आप एक चीज़ पहली बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे में कैद हुआ, ये पीपी किट वाली जो चीज़ है जो लगातार हम खोज रहे थे कि कोरोना के काल में जो पीपी किट पहन के कोई नहीं दिख रहा था, पहली बार जो है यहाँ पे जो है लोग पीपी किट पहने हुए हमें दिखे हैं। आगे हम आपको ले चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, दूसरे जो दूसरा जो मतदान केंद्र होगा वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको दिखाएंगे। ऐसे ही भारत लाइव आपको अपडेट पहुँचाती रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।